नमस्कार, मैं हूं ऋषि शेखावत। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आरपी न्यूज। आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रदेश में काबिज मनोहर सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि लोहारू तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव ढाणे श्यामा में कक्षा 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की हालत देखकर, या यूं कहें कि बच्चों की पढ़ाई का स्तर देखकर, बच्चों के अभिभावकों के पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। गत 6 मार्च यानी बुधवार को आरपी न्यूज की टीम ढाणी श्यामा के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के अनुरोध पर हमारी टीम ने ढाणी श्यामा में जाने का फैसला किया और बच्चों का पढ़ाई का स्तर जानने का भी प्रयास किया। हमारे साथ गांव ढाणी श्यामा के विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद रहे। सबसे पहले हमने 8वीं कक्षा के बच्चों का पढ़ाई का स्तर जाना। बच्चों से हमने हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य विषयों के प्रश्न पूछे, जिनका वो ठीक तरीके से जवाब ही नहीं दे पाए। 8वीं के बच्चों के हालत से इतनी खराब स्थिति थी कि गणित विषय के सूत्र, छोटे छोटे सूत्र और फॉर्मूले का जवाब भी नहीं दे पाए। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गणित जैसा गंभीर विषय स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल की हेडमास्टर साहब की थी, करण सिंह की है। आखिरकार हेडमास्टर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आखिर ये बच्चे बोर्ड की क्लास में पास होने में सफल कैसे होंगे? अगर टीम का कप्तान ही अपनी टीम की जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो खिलाड़ियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब या तो कप्तान साहब को खेलना होगा या फिर टीम से बाहर करना होगा। आप खुद ही देख लीजिए, परीक्षा सिर पर है और विद्यालय में पढ़ने वालों बच्चों की हालत इतनी खराब है। लेकिन खुशी की बात यह है कि कक्षा 6ठी और 7वीं क्लास में बच्चे इतने होशियार थे और उन्होंने हर जवाब का बहुत ही फुर्तीली तरीके से जवाब दिया। और कक्षा 6ठी में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने संस्कृत जैसे कठिन विषयों के सटीक श्लोक हमें पढ़कर सुनाया और संस्कृत में हमें 6ठी क्लास के बच्चों ने प्रार्थना भी सुनाई। लेकिन चिंता का विषय रही 8वीं कक्षा, जो वाकई हमारे लिए चिंता का विषय है। और 8वीं क्लास पर गाँव के लोगों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई और कहा कि हम इस तरीके से हेडमास्टर साहब का रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो अपनी बदली करवा लें ये फिर गणित जैसे विषयों को अच्छी तरीके से पढ़ाएं। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं आखिर ढाणे श्यामा स्कूल की 8वीं क्लास की स्थिति इतनी खराब क्यों है। मैथ कौन पढ़ाता है आपको? हेडमास्टर जी, क्या नाम है उनका? अच्छा, आज नहीं आए वो? और कल कितना बजे आए थे? 8 बजे। और गए कब थे? 2:30 बजे गए थे। छुट्टी होने का टाइम क्या है? 2:30 बजे। पढ़ाते अच्छे पढ़ाते हो? तो आपको ये सवाल, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब दीजिए, क्या पढ़ाते हो? प्रमोद पूछिए और पूछिए। कहाँ खिलाते हैं? या तो यहाँ, या तो क्लास है, यहाँ कहाँ खिलाते हैं? बाहर खिलाते हैं। आप कह रहे हो यहाँ खिला रहे हैं, आप ये कह रहे हो वहाँ खिला रहे हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई बाहर खिलाते हैं। आज पीटीआई साहब आए तो नहीं? आज छुट्टी पे है, छुट्टी पे है आज। और हेडमास्टर साहब भी छुट्टी पे हैं। आपको कभी खेलते देखा तो नहीं है बाहर? आप कहते हो खिलाते हैं। 26 जनवरी बाद में यहाँ पे कोई किसी प्रकार की गतिविधियाँ नहीं हुई खेल के मामले में? अच्छा, अपने एरिया का पिन कोड क्या है? पिन कोड पता नहीं आपको? 12:72। अच्छा, स्टडी कोड लोरूगा, स्टडी कोड का पता नहीं है? हरियाणा में कितने जिले हैं? 20 जिले हरियाणा में। अच्छा, और
आपके शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? रामविलास शर्मा। अच्छा जी, मुख्यमंत्री का? श्री मनोहर लाल। विधानसभा के मुवारू विधानसभा है, वहाँ के एमएलए कौन है? एमएलए का पता नहीं है आपको? अपने सरपंच कौन है? कहाँ से आते हो आप? दोबड़ा से। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल 22। सही है। और परिमाप? इंग्लिश पढ़नी आती है आपको? इंग्लिश थोड़ी बताओ, कौन पढ़ाते हैं इंग्लिश? आप 8th क्लास में हो, ठीक है? आप अपने सच्चे मन से सभी बता रहे हैं। तो आपको ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई आयत वगैरह क्षेत्र है, ये आपको नहीं बताते अच्छे तरीके से? तो आपको तो आया तो नहीं, तो इसका मतलब वो पढ़ाते नहीं ना, यही हुआ। चलो बैठिए आप, 8th क्लास में हो ना, आप नहीं दे पाए। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है आपको, कौन पढ़ाता है? दिनेश सर। ये लाइन पढ़ी ऊपर वाली, हु द कैमल गोट हिज हम्प। ये क्या है? हाउ है इसकी हिंदी बताइए लाइन की पूरी की। हिंदी नहीं आती? छठी क्लास में मैथ पढ़ाते हो सर आप? जी जी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? लिख के बता दे तुझे। 10,000 लिख के बता। चटकी तो बोलो, तो ना बोलो, घबराओ मत। क्या जीरो है जी? जी ये लाइन पढ़िए। एक है लेफ्ट टू वन। इसके लिए क्या बोलिए? ठीक। संख्या